तो दूसरों का गेमिंग सेटअप देख के लगा कि मुझे भी अपना सेटअप टूर करना चाहिए। हालांकि मेरा सेटअप 3 करोड़ का तो नहीं है, बट मेरे सेटअप टूर की शॉट पे अच्छे खासे व्यूज आए हैं और मुझे और व्यूज चाहिए। सो लेट्स गो फ्यू इयर्स बैक। सो दिस इज माय फर्स्ट पीसी, सॉरी ये मेरे पापा का था। तो ये मेरा पहला पीसी था जिसमें मैंने अपनी एडिटिंग सीखना स्टार्ट करी और टाइम बाय टाइम अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। इवन इसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, तो धीरे धीरे मैंने इसको अपग्रेड किया, अपना ग्राफिक कार्ड लिया, न्यू मॉनिटर्स लिए और इसको धीरे धीरे अपग्रेड करते करते दिस हाउ माय सेटअप लुक्स नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद माय मेन मॉनिटर जो मैंने लेटेस्ट में लिया है बिकॉज ऑफ भाई इतना मस्त किया है सब कुछ। बट मॉनिटर 75 वर्ड्स होता होगा भाई जब मेरा 40 हर्ट्ज का काम नहीं होता। अंटिल यू सेड योर मॉनिटर इट सक्स। तो ये है 160 हर्ट्ज अल्ट्रा वाइड 2K मॉनिटर जो LG की तरफ से आता है और ये मैंने रिसेंटली ही लिया था, जो काफी ज्यादा क्रेजी है। इवन इस पर गेमिंग करने में काफी ज्यादा मजा आता है बिकॉज ऑफ इट्स अल्ट्रा वाइड स्क्रीन और गेम्स भी काफी स्मूथ चलते हैं बिकॉज ऑफ 160 हर्ट्ज डिस्प्ले। इवन इसमें मूवी भी फुल स्क्रीन पे चलती है तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट काम की बात यह है कि इसमें मुझे काफी ज्यादा अच्छा एडिटिंग स्पेस मिल जाता है जिसमें काम करने में काफी ज्यादा आसानी होती है और घिचपिच नहीं होती यार। जो ये मॉनिटर मैंने वर्टिकली लगा रखा है वो भी LG का ही है, जो 22 इंच मॉनिटर है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। और बेसिकली इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखता हूँ लाइक शॉर्ट्स एंड रील्स और कभी कभार स्क्रिप्ट भी खोल लेता हूँ अगर क्लाइंट की वीडियो एडिट करनी होती है तो। सो नाउ कीबोर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कॉस्मिक बाइट थीमस मैकेनिकल कीबोर्ड जो रेड स्विचेस के संग आता है और इसके स्विच आप रिप्लेस भी कर सकते हो अनलाइक पीपल्स। बाय द वे मेरे पास इसका ब्लैक वर्जन भी है जो मैंने बहुत पहले लिया था। बट अगर आप ये सोच रहे हो इतना छोटा कीबोर्ड ही क्यों लिया तुमने, तो लिया तो क्यूट समझ के था बट अब आदत सी हो गई है। तो नाउ माउस मैं यूज कर रहा हूँ अपना लॉजिटेक G402 जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं और ये एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा माउस है। इवन मेरे हाथ बड़े हैं फिर भी मुझे इसमें काफी अच्छी ग्रिप मिलती है और मेरे हिसाब से ये मेरे लिए काफी अच्छा माउस है। एंड बाय द वे आप जो मेरी इतनी अच्छी आवाज सुन पा रहे हो वो इसकी वजह से है। ये मेरा ऑडियो एरे का डायनेमिक माइक जिससे मैं अपनी सारी वीडियो शूट करता हूँ और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है यार। एंड इफ यू आर वंडरिंग फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं जितना भी शूट करता हूँ अपना वो सारा अपने आईफोन 14 से करता हूँ एंड करंटली इट्स बेस्ट फॉर माई वीडियोज। तो मेरे पास ये यूनियन का ड्राइंग टैबलेट भी है जो मैंने ब्लेंडर सीखने के लिए लिया था, बट नाउ मैं इससे बस फोटोशॉप यूज करता हूँ बिकॉज इसके पेन की वजह से मास्किंग करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। और हाँ, अगर मैं ब्लेंडर दोबारा सीखूंगा तो ये मेरे फिर से काम आ सकता है। बाय द वे मेरे पास खुद का अपना असिस्टेंट भी है, तो मेरे पास है गूगल होम मिनी जो मेरे पास रखा रहता है और ये मेरे छोटे मोटे काम भी कर देता है जैसे कि हे गूगल लोरी सुना दो ना। पेश है एक लोरी खास आपके लिए। सो जा मेरे प्यारे सो जा दुनिया के दुलारे सो जा। बाय द वे मेरे लेफ्ट साइड में एक हीटर भी रखा हुआ है जो मैंने एक महीने पहले सर्दियों में लिया था जब काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी, और ये मेरे पैरों को मस्त गर्म रखता है जिससे मुझे ठंड भी नहीं लगती। नाउ मेरे पास ये गेम पैड है जो मैं मेजरली यूज करता हूँ गॉड ऑफ वार जैसे गेम खेलने के लिए, और एक्चुअली में इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है और इतना खास भी नहीं है ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि मैं इतना ज्यादा गेम्स नहीं खेलता। और काफी लोग मेरे माउसपैड के बारे में पूछ रहे थे और लिंक्स भी मांग रहे थे माउसपैड की, बट ये मैंने ऑफलाइन लिया था वो भी सिर्फ 250 से 300 रुपए का, और 250 से 300 के मुकाबले इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इवन इसका प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इवन ये लाइट्स भी मैंने बहुत पहले ऑफलाइन ही ली थी जो मैंने जुगाड़ से ली थी फ्री में, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लाइक मैं इसको 4 साल से चला रहा हूँ। तो ये सब यूज़ करने के लिए कंफर्टेबली बैठना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मेरे पास है ये डारबन की एर्गोनॉमिक चेयर जो काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट भी हैं जैसे कि मैं इसके आर्मरेस्ट को और इसकी हाइट को दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ और इस पर आराम से बैठ के मैं अपने सारे काम भी कर सकता हूँ। और मैं अगर अपनी टेबल की बात करूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाइट कलर की टेबल जो मैंने ड्यूरियन फर्नीचर से ली थी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाय द वे इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज भी मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे मैं अपने कुछ बॉक्स और पेपर्स रख सकता हूँ, ऊपर वाली डॉज में मेरा कुछ कवाड़ा पड़ा हुआ है जो आप ना देखो तो ही ज़्यादा अच्छा है, और नीचे यहाँ पर मेरे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं और काफ़ी सारे और बॉक्स रखे हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CPU। तो सबसे पहले जो मैं कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है फोंटा जो लिटरली मैंने काफ़ी सस्ते में लिया था, लाइक मैंने ये 2500 रुपीज़ का लिया था विद फैन
देन अगर मैं सीपीयू के अंदर की बात करूं तो मैं यूज़ कर रहा हूं राइजन 5 3600X, साथ में मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B50 और SLite V2 एंड ग्राफिक्स कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूं गीगाबाइट का 2060 सुपर। रुको, कोई फालतू नहीं बोलेगा, ये मेरा काफ़ी पुराना CPU है और मैं इसको काफ़ी जल्दी अपग्रेड करने वाला हूं। एंड देन इसमें मैं 32GB ऑफ रैम यूज़ कर रहा हूं, जिसमें मैंने 16 की दो रैम स्टिक यूज़ करी हैं और ये एक रैम स्टिक मेरी फ्री में आई है। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी है तो आपको पता होगा। और एक्चुअली में मेरे पीसी में इतना कुछ खास है भी नहीं, बस इतना ही है और मैं इसकी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरा बस यही कहना है यार कि अगर आपको एडिटिंग स्टार्ट करनी है या फिर गेमिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट सेटअप हो। कोई भी चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं होती यार, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड कीप इम्प्रूविंग। मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी इम्प्रूव करो।